दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार में नियोजित शिक्षक से संबंधित है, सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। सक्षमता परीक्षा 1 में 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने राजकर्मी बनने का अपना कोटा पूरा कर लिया है, जबकि सक्षमता 2 परीक्षा 12 मई, 14 मई और 15 मई को होने वाली थी, उस परीक्षा को तत्काल चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों को होने के कारण स्थगित कर दिया गया है, जो आगे बहुत जल्द उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि अगली तिथि कब से कब तक परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें हम विशेष रूप से बताने वाले हैं फर्जी नियोजित महिला शिक्षक पकड़ाई। देखिए खबर विस्तार से। आपका अपना चैनल नंदू सर मैथ्स क्लासेज में स्वागत है और शिक्षा विभाग से पल पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हर पल पल की अपडेट आपको समय समय पर देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए दोस्तों खबर विस्तार से। शिक्षा विभाग में एक फर्जी नियोजित महिला शिक्षक पकड़ी गई। महिला नियोजित शिक्षक एक दूसरी नियोजित महिला शिक्षक के स्कैन सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी। दोनों महिला शिक्षक शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समकक्ष जब बुधवार को हाजिर हुई तो फर्जी नियोजित महिला शिक्षक की जालसाजी पकड़ी गई। उसके सर्टिफिकेट जब्त कर लिए गए हैं। आपको याद दिला दूं कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई थी, उसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षकों में से 1,151 नियोजित शिक्षक BTET, CTET, STET के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। उसके बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया। इसके लिए बाजाबता कमेटी बनाई गई, फिर भौतिक सत्यापन का शेड्यूल बना। शेड्यूल के हिसाब से डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित ऐसे सभी 1,151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में तलब किए गए। भौतिक सत्यापन का कार्य गत 7 मार्च से होकर 22 मार्च तक चला। उसमें संदेह के दायरे में आने वाले दर्जन भर से अधिक नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। हालांकि 1,151 नियोजित शिक्षकों में से 420 नियोजित शिक्षक ऐसे निकले जो जाँच कमेटी के समकक्ष हाजिर ही नहीं हुए, लेकिन भौतिक सत्यापन में गैरहाजिर 420 नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई के पहले शिक्षा विभाग ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया। ऐसा निर्णय इसलिए दिया गया ताकि संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों में से असली सर्टिफिकेट धारी शिक्षक अगर किसी खास वजह से पहली बार जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं हो पाए तो दूसरी बार शामिल हो सके। उसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के लिए दूसरा शेड्यूल जारी किया। इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षक से पहुंचाई गई। संबंधित सभी 420 नियोजित शिक्षकों को यह चेतावनी भी दी गई है कि जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं होने वाले शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके मद्देनजर तय शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में ही 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जांच कमेटी फिर बैठी, लेकिन संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 45 से 50 नियोजित शिक्षक ही जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर हुए। बाकी तकरीबन 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं हुए। इससे इतर एक ही नंबर के सर्टिफिकेट पर काम करने वाले 2 शिक्षकों के मामले में कमेटी किसी निर्णय भी इसलिए नहीं पहुंच पाई कि उनमें एक शिक्षक हाजिर ही नहीं हुए। जो शिक्षक हाजिर हुए थे उन्हें बता दिया गया था कि फिर बुलाहट होगी। हाजिर नहीं होने वाले ऐसे शिक्षकों के मामले में जांच कमेटी बुधवार को शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में फिर बैठी। जांच के लिए एक ही नंबर के दोनों सर्टिफिकेटधारी नियोजित शिक्षक बुलाए गए। ठीक है दोस्तों, और कल जो है खुलासा हो गया कि उसमें एक जो है महिला जो है नियोजित शिक्षक जो फर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 370 नियोजित शिक्षकों की अभी भी जांच जो है के लिए एक और मौका, अंतिम मौका दिया गया था। अब देख सकते हैं दोस्तों फर्जी नियोजित महिला शिक्षक पकड़ाई। आगे देखिए, शिक्षा विभाग से ही जुड़ी बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि जहां से आप मैट्रिक किए पास किए वहीं से इंटर में होगा नामांकन। विशेष परिस्थिति में डीओ के हस्ताक्षर पर दूसरे स्कूल में नामांकन होगा, क्योंकि विभाग का कहना है कि अब हर एक पंचायत में BPSC द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का बहाली कर दिया गया है, इसलिए पंचायत में ही नाम लिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट को। जिस स्टूडेंट ने जिस विद्यालय से पढ़ा है उसी में नामांकन कराए। देखिए दोस्तों, यह जो है प्रशिक्षण में समय से पूर्व नहीं पहुंचने पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण में 9 बजे के बाद पहुंचने वाले सभी का वेतन
सभी शिक्षकों का वेतन कटौती का आदेश लखीसराय डीओ द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में 431 शिक्षकों की वेतन कटौती कर ली गई है। हर रोज 400-500 शिक्षक जो है अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं और उनकी वेतन कटौती की जा रही है। सभी माध्यमिक स्कूलों में होंगे रात्रि प्रहरी की बहाली, जिसमें कुछ दिन पहले निकला था 28,201 रात्रि प्रहरी बिहार के स्कूलों में बहाल होंगे। आंधी पानी से 12 तक राहत नहीं। दोस्तों देखिए, मौसम विभाग से भी संबंधित आज की बहुत बड़ी ताज़ा अपडेट है कि आंधी पानी से 12 तक राहत नहीं मिलेगी, 12 के बाद ही किसी प्रकार की कोई राहत मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की पल की अपडेट के लिए आपको हर खबर देने का प्रयास किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे। थैंक्स दोस्तों।